साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वाल एक बार फिर से दोस्तों इस लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चुनाव खत्म हो चुका है दोस्तों, सारे नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो सामने नहीं आ पाई, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, चार पांच राज्यों में नतीजे, उसके बाद तीन राज्यों में भाजपा का जीतना, फिर इधर कांग्रेस का जीतना, फिर मिजोरम, लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़े लिखे, सबसे अधिक पढ़े लिखे केजरीवाल साहब, वो तो छूट गए। तो आज उनकी बात करूंगा और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप जुड़िए और एक एक करके चीज़ों को आप देखते चले जाइए। जानते हैं दोस्तों, जब केजरीवाल की बात कर रहा हूं ना, तो सोशल मीडिया पर जब मैं नज़र डाल रहा था तो एक जगह बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। और मैं आपको बताऊं, 1982 की एक फिल्म है नमक हलाल, और इस फिल्म में जो गाने के बोल हैं उसको ज़रा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं, आप जो है ना उसमें डबल ए पी, आम आदमी पार्टी भी कर सकते हैं, मतलब इशारे में यही कहा जा रहा है, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बरखुरदार शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। अब देखिए, कहने को तो फिल्म के गाने हैं, लेकिन आज के समय में अगर आप देखिए तो ये गाना मतलब गजब है, लगता है सोच समझ के लिखा गया है 1982 में, और अभी 2023, आप सोचिए लगभग 40 साल के बाद इस गाने की अहमियत को समझिए। और जो जनता है ना वो समझ गई है कि राम राम जपना पराया माल अपना, और ये जो लाइन है, आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। और ये बात देखिए, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीने, कुछ ही वर्षों के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए वहां की जनता समझ गई। और इसीलिए आपको मैं एक खबर दिखाता हूं, इस हेडलाइन को देखिए। आम आदमी पार्टी ने तीन राज्यों में उतारे थे 215 उम्मीदवार, नहीं खुला खाता, नोटा से भी कम मिले वोट। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, अभी मैं इसके डिटेलिंग में भी जाऊंगा, मगर इस बात को समझिए। अच्छा, कुछ मैं पुराने बयान भी निकाल कर लाया हूं आपके लिए, लेकिन इस खबर को बड़े ध्यान से देख लीजिए, 215 उम्मीदवार, ये नेशनल पार्टी बन गई थी आम आदमी पार्टी, कितने झूठ फरेब और भ्रमित करके लोगों को, आप सोचिए। और उसके बाद ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो झूठ की बुनियाद पर, फरेब की बुनियाद पर अगर चीज़ें बनाई जाती हैं तो लंबी टिकती नहीं है। और मैं तो कांग्रेस के बारे में भी आपको एक भविष्यवाणी कर चुका हूं, आपको बार बार याद दिलाता हूं, केजरीवाल पर तो गुजरात चुनाव में, और इस बार कहा था ना, देख लिया ना आपने। लेकिन अब मैं आपको मध्य प्रदेश की कहानी एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तीनों राज्यों में शर्मनाक प्रदर्शन। और शर्म ऐसा, जैसे कहते हैं ना चुल्लू भर पानी, वो वाली बात है, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से इनको सबक सिखाया है, इनके लिए परिणाम दिए हैं, वो शर्मनाक है। और केजरीवाल को ये समझ जाना चाहिए कि जो काम ये कर रहे हैं ना, लोग समझते हैं, लोग ये जानते हैं कि कैसे आप ठगी करते हैं। मैं मध्य प्रदेश से शुरुआत करता हूं, एक बयान सुनाता हूं, 14 मार्च 2023 का। जानते हैं मध्य प्रदेश में जाकर कह रहे हैं कि इस बार तो चलेगी झाड़ू। जी हां, इस बार चलेगी झाड़ू। आपको मैं तुरंत अभी ये बयान सुनाता हूं, बयान ये सुनिए। चाहे कांग्रेस को वोट दो, चाहे बीजेपी को वोट दो, सरकार तो मामा की बनेगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इस बार चलेगी झाड़ू। देख रहे हैं ना, चाहे कांग्रेस को वोट दो, चाहे बीजेपी को वोट दो, सरकार तो मामा की बनेगी। मजे लेते हैं ये,
और जो ये कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं ना, अभी आखिर में मैं आपको इनकी एक डीलिंग भी दिखाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा और जनता भी समझती है। इसीलिए अब आप देखिए, जो ये झाड़ू चला रहे थे, सरकार बना रहे थे दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। 230 सीटों में से, आप ये आर्टिकल देखिए, 230 सीटों में से 70 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतारे और सबकी जमानत जब्त हो गई, सबकी जमानत। आजकल तो इनकी जमानत तो दो दो जगह जब्त हो रही है ना, एक तो चुनाव में जब्त हो रही है और दूसरा जमानत खारिज हो रही है जो ये जेल पहुंचे हुए। तो आप सोचिए, 70 उम्मीदवार और 70 के 70 सभी की जमानत जब्त हो गई। और इसमें आपको मैं एक कैंडिडेट के बारे में यहां बताना चाहूंगा कि ये करते क्या है, ये इनका शुरू से पैटर्न रहा है। मतलब लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए बड़े बड़े सितारों को लाने की कोशिश करते हैं। और 5 साल केजरीवाल वाला ध्यान है ना, कैसे फिल्मी दुनिया के लोगों को उठा करके लाए थे। तो इसी तरीके से एक चाहत पांडे, ये एक टीवी एक्ट्रेस है और एमपी के दामोह में, इस आर्टिकल में लिखा है, मैं कुछ कुछ चीजें आपको दिखा भी रहा हूं, इनको भी उम्मीदवार बनाया था चाहत पांडे। इनको लगा जीत जाएंगे, इधर उधर से कुछ ना कुछ तो करते ही, तिकड़म भिड़ाते हैं। इनकी भी जमानत जब्त हो गई, हार गई। ये जो सभी के सभी 70 उम्मीदवार है ना, सबकी जमानत जब्त हो चुकी है। तो ये केजरीवाल की दोस्तों हकीकत है। लेकिन अब मैं आपको एक और बयान सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बयान है। मैं बड़े सारे बयान ढूंढ के निकाला है तीनों राज्यों से, आप सुनेंगे ना हैरान हो जाएंगे। गुजरात वाला तो बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि आईबी की रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात में इनको बहुमत मिल रहा था, उधर तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसी चुनाव पर आपको फोकस रख के कुछ चीजें दिखा रहा हूं और आपको समझ में आएगा ये कितने बड़े झूठे हैं, कैसे कैसे झूठ बोलते हैं ये जनाब। सिंगरौली, सिंगरौली की एक मेयर बनी थी, उसको लेकर के इन्होंने कैसा ट्रेलर खड़ा किया था, बड़ा मजा आएगा आपको सुन करके। केजरीवाल साहब का एक बयान सुनाता हूं, बहुत पुराना है, पुराना मतलब इसी चुनाव का है। आप ये बयान सुनिए। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे और उसका ट्रेलर मिल चुका है। सिंगरौली के अंदर हमारी बहन रानी अग्रवाल सिंगरौली की मेयर बन चुकी है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। देख रहे हैं ना, ट्रेलर है, ट्रेलर। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, ट्रेलर दिखाते हैं। कहीं छोटी सी चीज हो जाती है ना तो ये ट्रेलर बना देते हैं। और झूठ का तो मैं वैसे भी पूरा पिटारा खोल चुका हूं। तो सिर्फ सिंगरौली में एक मेयर बन गई। अरे भैया, निर्दलीय भी जीतते हैं, कहीं कोई भी जीत सकता अगर उसकी इमेज अच्छी हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते भी हैं कि चलो पार्टी मिल गई और आप मुख्यमंत्री हैं, दो दो मुख्यमंत्री हैं। जनाब ने इनके सहारे यह कह दिया कि अब तो हम मध्य प्रदेश जीत गए। चलिए पॉलिटिकल है, कहने का हक है, लेकिन नतीजा भी तो दिखाना पड़ेगा ना। आप देखिए ये रिपोर्ट बड़े ध्यान से, एमपी रिजल्ट्स, आम आदमी पार्टी को मिली निराशा, जिस सीट पर थी जीत की उम्मीद वहां हुई जमानत जब्त। ये जो मेयर है ना रानी अग्रवाल सिंगरौली में, इनको विधायक के लिए खड़ा कर दिया, और खड़ा कर दिया चलो कोई बात नहीं, यहां भी जमानत जब्त हो गई। ये सच्चाई है दोस्तों, यही केजरीवाल की हकीकत है, यही सच्चाई है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप जरूर लिखिए, मैं आखिर में आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों इस कमेंट्स के बारे में। बहुत सारे अलग अलग जगहों से लिख रहे हैं, मैं सारे से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मध्य प्रदेश की जो बात हो रही है, वो सिंगरौली में जो मेयर है रानी अग्रवाल, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा वोटिंग प्रतिशत के बारे में भी बताने का प्रयास करता हूं। ये ग्राफिक्स है, आप सबसे पहले इसको देखिए। इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझ में आएगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी को एकदम शुरू में देखिए
0.54%, 1% से भी कम, 0.54% इनको वोट मिले, इतना ही मिला है। अब आप बोलेंगे इससे क्या समझ में आ रहा है, तो इससे बहुत बड़ी कहानी है, वो भी समझना जरूरी है। अब आप देखिए इसमें नीचे से तीसरे नंबर पर नोटा कितना है जानते हैं, 0.98%, यानी आम आदमी पार्टी की ये है हैसियत मध्य प्रदेश में। इनको नोटा से भी कम वोट मिला है, 1% से भी कम वोट मिला है। नेशनल पार्टी है ना आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी सोचिएगा जरूर, आपको लगता है ना कि दिल्ली में झूठ की बुनियाद पर आपने एक बार नहीं दोबारा बनाया, और दोबारा जब हार गए आप लोकसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव से पहले आपने फोकस करते हुए 7-8 महीने काम किए, ढेर सारे फ्री की रेवड़ी बांटी, और फिर आपने 5 साल के लिए लगा कि आपने कब्जा कर लिया दिल्ली। फिर आप उसी झूठे मॉडल को लेकर पंजाब पहुंचे और आपको लगा कि अब तो पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, खत्म, आपका मॉडल खत्म हो गया। लोग समझ गए इतने सारे झूठे वादे, झूठे छोड़ दीजिए, इतने सारे वादे लोभ लालच देने के बाद भी आपको वोटों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 0.54% मिला है, जबकि नोटा को उससे भी अधिक 0.98%, ये हकीकत है। लेकिन दोस्तों आप अभी कमेंट में बताइएगा कि क्या केजरीवाल को इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या केजरीवाल जी को कोई सबक मिलेगा इससे, ये अभी मैं चर्चा भी करूंगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की एक और कहानी आपको दिखाता हूं, ये केजरीवाल से इतर है, फिर मैं अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जाऊंगा, ये देखने की कोशिश कीजिए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त, जदयू और समाजवादी पार्टी का भी बुरा हाल, नोटा से भी पिछड़ गई इंडी गठबंधन की पार्टियां। चलिए इंडी अलायंस जो मैंने नाम दिया है आप लोगों के साथ संवाद के जरिए, अब वो सब जगह चलने लगा इंडी अलायंस, आपको भी बधाई और आपकी तरफ से तो मुझे बधाई मिलती है। अब देखिए यहां पे एक और कहानी ऐड कर रहा हूं मैं आपके साथ, ये कहानी ये है दोस्तों कि अभी ना बड़े जब इंडी अलायंस की चर्चा हो रही है ना, तो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को कि और बोलो अखिलेश, अखिलेश नीतीश जी भी गुस्सा रहे हैं, ममता भी गुस्सा रही है, अगर हमारे को साथ लिया होता, गठबंधन कर लिया होता तो हम जीत गए होते। कैसे जीत जाते ये तो जानना पड़ेगा ना दोस्तों, कि वाकई आप जीत भी जाते या झूठ का ये पूरा एकदम वो गुब्बारा बनाया जा रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूं, जेडीयू ने 10 प्रत्याशी खड़े किए मध्य प्रदेश चुनाव में, इसमें से हालांकि बाद में एक ने सरेंडर भी कर दिया, और 9 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और सबकी जमानत जब्त हो गई। जेडीयू नीतीश बाबू उन्हीं की पार्टी जेडीयू, सबकी जमानत जब्त हो गई। अभी भाजपा के साथ होते ना तो बदनाम करते कि मोदी जी हमको सीट नहीं देते, अकेले करते हैं और लोग फिर बदनाम करते, इनको कांग्रेस ने भी नहीं दिया। और 9 के 10 के 10 प्रत्याशी, एक तो बाद में हट गया, 9 केस की जमानत जब्त हो गई। और एक बात और आपको बता देता हूं कि 4 जगहों पर तो जेडीयू के प्रत्याशियों को 200 से भी कम वोट मिले, जी हां 200 वोट भी नहीं मिले। यह है जेडीयू की हैसियत, हकीकत। और एक कहानी बता देता हूं इसी से जुड़ा हुआ है, इसी आर्टिकल में, कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अखिलेश वखिलेश बोला था ना कमलनाथ जी ने, इन्होंने 69 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, ये शायद खुन्नस में थे, वरना ये 7-8 से ज्यादा नहीं मांग रहे थे, पूरा एकदम कि हरा के रहना है। अब लोग बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये मिल जाते तो जीत जाते, 7-8 ही सीट चाहिए थे। अब देखिए एक भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जीत के इर्द गिर्द भी नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा। और सपा को जो कुल वोट प्रतिशत मिला है दोस्तों 0.46%। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को भी मिला दें,
तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इनकी जीत नहीं होती, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश की हकीकत, ये कहानी है। इसमें मेरा जो विशेष कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल पर है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में कई कहानियां थी इसलिए आपको बताना जरूरी था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ की कहानी को देखिए, छत्तीसगढ़ भी गजब है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के लोगों की बात नहीं कह रहा, छत्तीसगढ़ में तो जो कुछ हुआ वो तो किसी को पच ही नहीं रहा है। मोदी जी जीत गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अच्छा, मैंने बड़ा एनालिसिस किया क्योंकि देख तो हम भी समझ नहीं रहे थे, लेकिन मोदी जी कह रहे थे, मोदी जी को पूरा भरोसा था, आपको भी भरोसा था, मैं भी बता रहा था, लेकिन इस तरीके से माहौल था नहीं। तो मेरा एक एनालिसिस है इसमें, मैं इस कहानी को आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा दोस्तों, आजकल ना सोशल मीडिया यूट्यूब पर बड़े सारे लोग एक्टिव हो गए और हमें भी आना पड़ा, लेकिन जो उधर का इकोसिस्टम है उनके वीडियो बड़े चलते हैं, सारे लोग देखते हैं, पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम और जो सेकुलरिज्म वाले लोग हैं वो भी देखते हैं, सारे लोग, लाखों में मिलियंस में जाता है। अब इन लोगों ने क्या किया आप समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये हवा बनी कैसे, कैसे छत्तीसगढ़ में गलतफहमी का ये शिकार हो गए। ये सारे लोग करते क्या थे, एक पर्टिकुलर जगह पे जाते थे, चाहे कांग्रेस के कैडर वोटर हों या फिर ऐसे लोग जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, उसमें आप जानते हैं अधिकतर मुस्लिम वोटर भी हैं, तो उस इलाके में जाकर अपना माहौल बताते थे, वहां जाकर लोगों से बात करते थे। अब सारे लोग तो विरोध में ही बोलेंगे ना, वहां पे अगर मेरा कैडर वोटर यहां पे है, कोई बूथ कांग्रेस का मजबूत है, वहां जाकर बोलेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए ना। तो इन लोगों ने माहौल बनाया, और आप तो जानते हैं ना, ये कहा भी जाता है ना कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो ये बार 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 उन्हीं इलाकों में जाकर के जो मोदी का विरोध करते उन्हीं लोगों को दिखाएं और माहौल बनाने लगे। अब कांग्रेस के लोग जो बार बार इन्हीं के यूट्यूब चैनल को देखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, खुशफहमी में आ गए। इनको लगा कि अब तो हम जीत जाएंगे, अब तो हमको कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद देखिए इनकी अकड़, मैं कल देख रहा था उधर के इकोसिस्टम के दो लोगों का बयान सुन रहा था, ऐसी भड़ास आप सोच नहीं सकते। एक सज्जन जो बड़े पत्रकार हैं, जो खुद को कहते हैं, अब तो पत्रकारिता तो आप खुद भी समझ रहे हैं ये पत्रकारिता कहाँ एजेंडा चलाते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमें जवाब देते हैं, कांग्रेस के लोग तो जवाब तक नहीं देते। अगर दोबारा कोई सवाल पूछ दो तो बोलते हैं तुम भाजपा के एजेंट हो, जबकि कभी मोदी के बारे में एक शब्द भी अच्छा नहीं कहा दोस्तों। तो ये यूट्यूब चैनल का सिस्टम है, ये उधर के इकोसिस्टम का चीज है दोस्तों। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ में केजरीवाल जी का एक बयान सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किया था। ये बयान सुनिए, 50 साल तक आम आदमी पार्टी का राज रहेगा ये कह रहे थे, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ वालों आप भी एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे, मैं कह रहा हूं एक मौका दे दो, अगले 50 साल तक आप इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं दोगे, मेरा चैलेंज है। देख रहे ना, मेरे को अगर एक बार वोट दे दिया तो 50 साल तक लोगों को वोट नहीं दोगे किसी पार्टी को। अच्छा, ये बड़ी गलत फहमी में जीते हैं, ये बात आपको बता दूं मैं। इनको लगता है कि मतलब मैं दिल्ली में आ गया तो अब दिल्ली में कोई हो ही नहीं सकता, और शायद इसीलिए इन्होंने शीश महल बनवाया, ये बात आपको बता दूं। लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ना ये दिल्ली में आएंगे ना पंजाब में आएंगे। लेकिन बात अभी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में ये जनाब गारंटी देकर आए थे, बहुत सारी, 10 गारंटी। अब तो खैर सबको समझ में आ गया गारंटी तो एक ही चलती है, लेकिन इनकी गारंटी भी तो सुनना जरूरी है ना। सुनिए आप छत्तीसगढ़ में क्या गारंटी देकर आए थे। आज मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। आज मैं आपको देख रहे हैं ना दोस्तों,
केजरीवाल की गारंटी का मतलब है मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन इसमें जो लिखा है एक एक कर पूरा करके देंगे। मैंने सुना भी लिखा भी, कहते क्या हैं। इसके बाद एक और बयान आपको सुनाता हूं। ये बयान वहां के स्कूलों को लेकर है। ये जनाब जानते हैं दोस्तों इतना झूठ बोलते हैं, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं, उनको पता है, लेकिन ये तब भी झूठ बोल सकते हैं। ये बोलते हैं दिल्ली आके देखिए, अरे दिल्ली के लोग बता देंगे आपको, लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि यहां प्रचार वाला मॉडल काम करता है ना। तो ये जनाब जब छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ में जो विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी उसकी जमकर बुराई की। एक पुराना बयान आपको निकाल कर सुना रहा हूं, वो भी आप सुनिए, तब मैं आपको छत्तीसगढ़ के नतीजे भी दिखाऊंगा। अच्छा, जब मैं ये सुना रहा हूं ना तो आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनका कांग्रेस के साथ अलायंस था, इंडिया अलायंस तो इन्हीं का था ना, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी हुई, फिर दोनों अलग अलग लड़े, तो वो आखिर में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या डीलिंग थी। लेकिन अब आप सुनिए कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों को लेकर क्या कुछ बुराई करके आए थे, सुन लीजिए। आने के पहले छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। कई स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने, कई स्कूल है जिसमें 10-10 क्लास है और एक टीचर है। देख रहे ना, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कई कई स्कूल बंद हो गए, टीचर नहीं, क्या है। अच्छा, ये इनके कहने का तरीका भी है, सर्वे वाला याद है ना कहानी, सर्वे की एक कहानी मैंने दिखाई थी, जो अभी सर्वे चल रहा है कि इनको गिरफ्तार करने के बाद जेल से करें क्या करें, तो इनका सर्वे का एक अलग पैटर्न है। ये कुछ भी कह सकते हैं, कहानी बनाते भी हैं और कहानी बना के छपवा भी सकते हैं ये। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी बुराई कर रहे थे। चलिए मान लिया भैया, आप तो केजरीवाल दुनिया के सबसे लोकप्रिय आदमी, सबसे पढ़े लिखे आदमी तथा कथित, हम क्यों माने भाई, क्योंकि इनके पढ़े लिखे का मतलब क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़िए, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं दोस्तों, और 90 सीटों में से 57 पर उम्मीदवार उतारे इन्होंने, 90 सीटों में से 57 पर उम्मीदवार ही नहीं मिले। अब जरा सोचिए, नेशनल पार्टी, और आप इतना फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन आपके पास उम्मीदवार भी नहीं मिले, यह हकीकत है। लेकिन नतीजा क्या रहा, नतीजा ये रहा दोस्तों कि 57 में से 57 सभी उम्मीदवार, सबकी जमानत जब्त हो गई, कोई कहीं नहीं टिका, कहीं नहीं रहा, सबकी जमानत जब्त हो गई। आपको मैं ये बता रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ की कहानी। लेकिन जानते हैं मजेदार चीज क्या है, आपको, आप हैरान हो जाएंगे। मैं जो बार बार बोलता हूं ना कि हमें, आपको लगता है कि लोकतंत्र का मतलब है कि चलो वोटिंग का दिन आया और चलो अपनी सोच से वोट कर दे, नहीं, ये तो हमारे मन मस्तिष्क पर भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और कैसे करते हैं, मैं आपको ये आर्टिकल दिखाता हूं, आप देखिए। छत्तीसगढ़ आप कैंडिडेट्स लिस्ट, छत्तीसगढ़ में आपने रोचक किया मुकाबला, यहां देखे 57 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट, देख रहे हैं पूरी लिस्ट 57 उम्मीदवारों की। अब देखिए, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा, मतलब ठीक है, खबर है, खबर नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत सारे न्यूज क्लिपिंग्स देखे, अब चूंकि लाइव कर रहा हूं बहुत सारी चीजें दिखाना संभव नहीं होता, बहुत सारे बयान भी आपको सुना रहा हूं, उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी ने पूरा माहौल बदल दिया, छत्तीसगढ़ में एकदम दिलचस्प कर दिया मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया, आम आदमी पार्टी ने यह कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। नतीजे क्या है, इस पर तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, और जब बात केजरीवाल की हो तो विशेष चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ उसका वोटिंग परसेंटेज भी दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों कि क्या है। ये मैं जो आपको आंकड़े दिखा रहा हूं ना, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही लिया है, वही दिखा रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट उसका। इसमें देखिए, जो पहला नंबर है 0.93%, 1% से कम है ये भी, 0.93% वोट। अब आप आइए थर्ड लास्ट में, आप देखिए थर्ड लास्ट में है नोटा,
और इसमें लिखा है 1.26%, देख रहे हैं ना। तो ये है दोस्तों, ये फर्क है, ये जानना जरूरी है कि इनकी हैसियत क्या है, ये जो माहौल बना रहे थे। और जब मैं ये बात बता रहा हूं ना, तो मीडिया वालों से भी सवाल पूछिएगा। छत्तीसगढ़ में तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, उस पर अलग से काम करना पड़ेगा, आपसे चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन मीडिया ने किस प्रकार से यहां आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बनाया, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। और आपको जब मैं ये ग्राफिक्स दिखा ही रहा हूं तो थोड़ा और आपको बताता हूं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। दोस्तों आप जरूर अपनी बात भी रखिए, जो आपके मन में बातें आ रही हैं वो मैं आपसे बात करूंगा। आम आदमी पार्टी 0.93%, बीजेपी 46, बीएसपी देखिए बीएसपी 2%, 2% से ज्यादा है। सीपीआई 0.39, सीपीएम कांग्रेस को 42, इसके बाद जेसीसीजे 1.23, वो भी ज्यादा है, आप सोचिए। लेकिन मैं तो खैर आपको नोटा से दिखा रहा हूं, क्योंकि नोटा का मतलब है लोग इतना निराश हो चुके हैं वो नोटा में दबाते हैं, तो आपकी हैसियत तो इससे भी ज्यादा खराब है। अब आगे बढ़िए, इसके अलावा देखते नहीं, एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये रिपोर्ट देखिए, बड़ा दिलचस्प है ये। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आप अब तक 400 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई, निर्दलीय निकले आगे। ना गजब कहानी, रायपुर भैया, जब आप किसी राज्य में अगर काम भी करते हैं तो जो आपका फोकस होता है, सेंटर होता है, जैसे आप दिल्ली, राजधानी दिल्ली पर आप सत्ता में कब्जा करके बैठे हैं तो पूरे देश में चर्चा होती है, वैसे ही ये मान लिया जाए कि अगर आप रायपुर में काम करेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में आप माहौल बनाएंगे। लेकिन रायपुर में आप 400 वोट भी नहीं ला पाए, 400, और आप बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में हम 50 साल तक शासन करेंगे, 400 वोट तो आपको मिले नहीं। तो ये तो आपकी हैसियत है, ये तो आपकी स्थिति है, आप करेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात कि इस जनतंत्र में जन का आप पर भरोसा खत्म हो गया है, और दिल्ली में भी आपको यही नतीजे देखने को मिलेंगे, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं। अब आगे बढ़िए दोस्तों, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में ये जनाब ने बहुत रैलियां की, और इनके साथ तो वो भी थे, भगवंत मान भी रहते थे, आपको पता है ना, स्पेशल विमान और सारी चीजें, बल्कि पंजाब के पैसे से ये पूरे देश में घूमते हैं, आप ये समझिए। तो राजस्थान का एक कुछ बयान पहले सुनाता हूं, जिसमें कह रहे हैं कि 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलकर एक नया राजस्थान बनाएंगे। मोदी जी ने नया भारत कहा है, तो ये अब दिल्ली में नई दिल्ली तो बोल नहीं सकते, नई दिल्ली तो पहले से ही चला आ रहा है, तो वहां नया राजस्थान बनाएंगे। बयान सुनिए आपको ये वाला। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं, 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना मशीन, ना एक्सरे, कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत से निकाल कर लाया हूं दोस्तों सारे बयान, एक मौका दे और भी आपको बयान सुनाता हूं। राजस्थान जब गए तो वहां पर एक चीज मैंने देखा, सरकारी अस्पताल को लेकर खूब बुराई, खूब बुराई। अब राजस्थान में सरकारी अस्पताल की बुराई आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि अशोक गहलोत ने वहां पर स्वास्थ्य को लेकर 25 लाख का बीमा, और अब तो 50 लाख कर रहे थे, आपको पता है ना चिरंजीवी योजना। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा, राजस्थान के मतदाताओं को निश्चित रूप से प्रणाम करना पड़ेगा सबको, कि 50 लाख रुपए का बीमा फ्री में। आज अगर हम लोग जाते हैं ना, 5 लाख रुपए का भी बीमा जो आयुष्मान भारत में फ्री में मिलता है, तो उसके लिए भी 25-25 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं, अगर उम्र के बाद, अगर आप सब तो उम्र के हिसाब से होता है ना, वहां 50 लाख रुपए का बीमा और सबको, और उसको भी ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, कोई डेटा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अगर आयुष्मान भारत में बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा देंगे, तो इसका मतलब है वो देते हैं,
लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है। लेकिन अगर राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हम 25 लाख रुपए का मुफ्त बीमा दे रहे हैं, तो डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है, और अब तो 50 लाख कर, अरे भैया तुम 1 करोड़ कर दो, लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन खैर, मैं आपको तो केजरीवाल की कहानी बता रहा हूं ना। अब देखिए, केजरीवाल राजस्थान जाकर सरकारी अस्पतालों की बुराई करते हैं, इसलिए कि दिल्ली में बड़ी अच्छी सुविधा है। सुन लीजिए, सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना मशीन, ना एक्सरे, कुछ नहीं है। देख रहे हैं ना, स्वास्थ्य सेवा की भी बुराई कर दी। एक और छोटा सा बयान सुनाता हूं दोस्तों, निकाला है मैंने बड़ी मेहनत से, कि एक मौका दे दो राजस्थान वालों, हम क्या कुछ करेंगे ये बताते हैं आपको। ये बयान सुनाता हूं मैं, एक छोटा सा और बयान सुन लीजिए, बिजली को लेकर के। एक मौका दे दो राजस्थान वालों, आपको भी 24 घंटे बिजली दिखा देंगे। तो आपको 3 बयान दोस्तों ये भी सुना दिए मैंने। अब आपको मैं स्थिति दिखाता हूं राजस्थान में। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, जी हां 200 सीटें हैं राजस्थान में, और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, कांग्रेस काफी नीचे है। और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। आप देखिए इस रिपोर्ट को, 88 उम्मीदवार राजस्थान में खड़े किए गए थे, और सभी 88 के 88 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ये कहानी है, कहीं कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है दोस्तों जिसके बारे में बात भी की जाए, कोई उम्मीदवार नहीं, एक भी उम्मीदवार नहीं है जिसके बारे में चर्चा भी की जा सकती है, सबकी जमानत जब्त हो चुकी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अब आपको मैं वोटों का प्रतिशत भी दिखा देता हूं राजस्थान में, कि वहां पर आखिर कितना वोट प्रतिशत मिला है, वो भी आप देखिए। ये भी आंकड़े जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से है। इसमें देखिए बड़े ध्यान से, आम आदमी पार्टी 0.38%, और आप नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 नीचे से पांचवें नंबर पर आइए, नोटा, इसमें 0.96%, इसका मतलब आधे से भी कम। राजस्थान में आम आदमी पार्टी को नोटा से भी, आधा से भी कम वोट मिले, ये हकीकत है दोस्तों, ये स्थिति है। अब आप क्या कहेंगे, लेकिन होता क्या है ना कि पुरानी चीजें गायब हो जाती है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूलने नहीं देना है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। अभी देखिएगा यही आदमी गरजता हुआ बाहर आएगा, मोदी जी हम आपको हरा रहे हैं, इसीलिए आप इतनी कार्रवाई कर रहे हैं, आपने ईडी छोड़ दिए क्योंकि आपको मुझसे डर लगता है, ये कहा जाएगा, पता है ना आपको। और इसीलिए ये कहानी दिखा रहा हूं। थोड़ा और लोगों के भी आप देख लीजिए, आपको 0.38% AIAMIM को भी कुछ वोट मिल गए, बीजेपी को करीब 42%, BSP, देखिए BSP को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिले, देख लीजिए बड़े ध्यान से। और CPI CPM, देखिए CPM को भी इनसे दोगुने से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है। फिर कांग्रेस को 39.53%, JN, फिर आप आइए नोटा, RLTP 2.39%, ये है हैसियत आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की। इनको लग रहा था कि बस अब तो प्रधानमंत्री बन के ही दम लेना है, और फिर सीधे UN का ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बोलेंगे UN वाले करने नहीं देते, अभी मुख्यमंत्री है बोलेंगे मोदी जी करने नहीं देते, राज्यपाल करने नहीं देते, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये राजस्थान के लोगों ने दोस्तों इनको सबक सिखाया है। अब आपको मैं एक और आर्टिकल दिखा देता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि मीडिया में कहीं कहीं ये चर्चा है, मतलब किसी ने इस पर स्पेशल प्रोग्राम नहीं बनाया, जैसे बनाते हैं ना अधिकतर समय, जब नोटों की गड्डिया, जब प्रचार तंत्र काम करता है ना, तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं,
लेकिन जब ये हार जाते हैं तो किसी ने छुआ तक नहीं, एक भी प्रोग्राम नहीं बनाया किसी चैनल में आपने देखा हो तो जरूर अभी कमेंट पे बताइए मुझे, मैं जरूर देखूंगा उसको कि कैसे बनाया गया। ये हार गए, इनका राष्ट्रीय एक विस्तार का था कि अब तो हम, आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब गुजरात चुनाव के बाद इनको बहुत कम सीटें मिली जो कि ये दावा कर रहे थे आईबी रिपोर्ट के हवाले से, तो बड़ी बेशर्मी के साथ ये चैनलों पर आते हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, ध्यान है ना, भूल तो नहीं गए, तो अब क्यों नहीं आपने किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी ना, कि तीन इतने बड़े राज्यों में इस देश की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव लड़ा 215 सीटों पर, आपकी स्थिति ये रही और आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, है ना दोस्तों, गंभीर सवाल। लेकिन ये तो भूल गए, इनको लगता है कि लोग भूल गए, लोगों को याद नहीं रहता। जैसे आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं तो लगभग 20 वर्षों तक अलग अलग चैनलों में रहा, जैसे स्टार न्यूज़ जब था, एबीपी न्यूज़, तब मैंने काफ़ी काम किया, ये न्यूज़ 18 इंडिया जब IBN 7 था, जी में, DD में, कई चैनलों में मैंने काम किया है। तो आपको एक किस्सा बताता हूँ, आपको बड़ी हंसी आएगी, लेकिन कई बार ना मजबूरी होती है कि हमारे संपादक भी बोलते हैं। तो एक दिन मैं देखता था कि क्या नाम है इसका, सचिन तेंदुलकर ने खेला नहीं, तो लिख रहे हैं भारतीय क्रिकेट का मुजरिम सचिन तेंदुलकर, और फिर आपको पता है लोगों के गुस्से कैसे होते थे, पता चला अगले ही मैच में सचिन ने सेंचुरी मार दी, टीम इंडिया जीत गई। तो अगले ही दिन भारतीय क्रिकेट का भगवान, आप में से कई लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि एक दिन पहले मुजरिम और अगले दिन भारतीय क्रिकेट का भगवान। तो कई बार मैं पूछता था, उस समय बहुत जूनियर था, ये बहुत बरसों पुरानी बात है, जब मैच का मुजरिम चलता था, ध्यान है ना आपको, तो मैं पूछता था कि ऐसा क्यों करते हो, लोग हंसेंगे, बोले लोगों को याद नहीं रहता, TRP मिलती, आज गाली देंगे तो TRP मिलेगी, कल हम भगवान बोलेंगे तो गाली TRP मिलेगी। तो ये TRP के लिए काम करते हैं, यही केजरीवाल का दोस्तों तरीका है, उनको लगता है सारा चीज TV के हिसाब से होता है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी याद होना चाहिए, याद है ना, एक बार लोकसभा के अंदर, संसद के भीतर वो बोलते हैं कि ये जो मैं यहां बैठा हूं ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी जीती है ना, ये TV की हेडलाइन से नहीं बना, अखबारों की हेडलाइन से नहीं बना है, जमीन पर दशकों तक काम करने के बाद, परिश्रम की पराकाष्ठा करने के बाद यहां पहुंचा हूं। इसलिए अगर किसी को लगता है कि हम इमेज खराब कर देंगे तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम करता है ना दोस्तों, उसकी इमेज कोई खराब नहीं कर सकता, यही सच्चाई है। और इसीलिए ये आम आदमी पार्टी की जो ये खबर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये TV की हेडलाइन से बनी हुई पार्टी है, ये अखबारों की हेडलाइन से बनी हुई पार्टी है, ये प्रचार के पैसों से बनी हुई पार्टी है, इसका कोई मोरल ग्राउंड नहीं है, इसमें कोई एथिक्स काम नहीं करता, ये सिर्फ अराजकता की परिभाषा लेकर चलते हैं, इसीलिए इनकी ये स्थिति है। अब जब मैं आपको इतनी सारी चीजें बता चुका हूं दोस्तों, तो एक बयान सुनाना बहुत जरूरी है, ये बयान है सौरभ भारद्वाज का, इस समय केजरीवाल के सबसे घनिष्ठ मंत्रियों में है, नंबर 2 या 3 बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो सारे जेल चले गए, अब तो केजरीवाल भी जेल जाएंगे, हो सकता है ये मुख्यमंत्री बन जाए, सौरभ भारद्वाज। और ये जनाब जब इंडिया अलायंस बन रहा था, लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे दोनों के बीच, आपको ध्यान है ना, उस समय इन्होंने एक बार्गेनिंग की थी, बार्गेनिंग क्या, सौदेबाजी, और सौदेबाजी खुलेआम सबके सामने मीडिया में, और वो आज सुनना जरूरी है, इसी राजस्थान, इसी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसी चुनाव से जुड़ा हुआ है। इतना घटिया, इतना संकुचित, ऐसी विकृत मानसिकता के साथ, जहां इनको लगता है कि जनमत को खरीद और बेच सकते हैं वोटों को, वो बयान सुनना जरूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है दोस्तों, आप सुनिए ये बयान सौरभ भारद्वाज का। कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे, आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए, देख रहे ना,
वो कह दे कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आइए टेबल पर आकर बातचीत तो कीजिए। दोस्तों, लोकतंत्र के लिए जब, जैसे कहते हैं ना, लोकतंत्र को कलंकित करने वाले कुछ बयान, ये उसी प्रकार का बयान है जिसमें इस देश की लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया गया। और ये जिसके बारे में कह रहे हैं ना, वो कह दें, वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। अभी जो बयान सुनाए ना मैंने कि कांग्रेस के राज्यों में पहुंच गए और सारी बुराइयां कर रहे थे, हेल्थ को लेकर, स्कूल को लेकर, बिजली को लेकर, तमाम चीजें, अगर इनकी सेटिंग हो गई होती ना तो ये बुराई नहीं करते। इन ये फिर बोलते कि इससे बढ़िया तो राज्य ही नहीं है, राजस्थान जैसा तो स्वास्थ्य मॉडल ही नहीं है, छत्तीसगढ़ जैसा तो स्कूल ही नहीं है। अब आप तुलना कीजिए दिल्ली का, अगर सेटिंग हो गई तो इनका मॉडल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल, और अगर झगड़ा हो गया तो उससे बुरा मॉडल नहीं। तो ये केजरीवाल की असलियत है, हकीकत है दोस्तों। और जब मैं आपको चौतरफा घिर गए केजरीवाल बता रहा हूं, तो एक खबर और आपको दिखा देता हूं, फिर कमेंट्स पर आएंगे दोस्तों। ये देखिए, ये आज की ही खबर है, राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेता को झटका, अदालत ने 11 दिसंबर तक बढ़ाई संजय सिंह की न्यायिक हिरासत। तो इनकी परेशानी जो है ना, वो कई मोर्चों पे खुल चुकी है दोस्तों, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। आप कह सकते हैं इन्होंने इतने पाप किए, इनकी नीयत इतनी खराब थी, क्या अब इनको कहीं से कोई राहत भरी खबर नहीं मिल सकती? एक आध आ जाए कोई बात नहीं, ठीक है, जमानत हो गई तो इनके लिए सबसे बड़ी खबर हो जाए, उस दिन ढोल नगाड़ा रैली वैली निकाल के बोलेंगे कि हम देखो हम सही थे। लेकिन ये करप्ट हैं, और ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी बात आ चुकी है, और इसीलिए देखिए इनके किसी भी नेता को जमानत नहीं मिल पा रही है, और इसमें जल्द ही फैसला भी होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अब थोड़ा कमेंट पर भी बातचीत की जाए। देखिए बहुत सारे लोगों के हैं, मैं एक एक करके आपसे बातचीत करता हूँ। प्रीतम, राम राम जी, गुरु जी आप कह रहे हैं, आप भी गुरु हैं हमारे। मोहन सिंह, हर हर मोदी, धन्यवाद। जवाहर पंड्या जी, राम राम आपको भी, आपको नमस्कार। गोल्डन ट्रेंड्स ये कह रहे हैं, नोटा से भी कम वोट छोटा को छोटा रिचार्ज कहा था, याद है ना, क्या नाम है, ओवैसी साहब ने गुजरात में केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा था। फिर आगे आइए, अनिल अरोड़ा, योर एनालिसिस इज फुल ऑफ प्रूफ, थैंक यू सर। अनिल जी, शिव शंकर मोदी, इसको अब कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन पार्टी तो बड़ी है, दो दो राज्यों में सरकारें हैं, ऐसा मत बोलिए, सीरियसली तो लेना पड़ेगा 2024 के लिए। और जगदीश भाई पटेल, नमस्कार जी। अबू वहाब सुफियान, हाई फ्रॉम नटाल, अब आपको भी धन्यवाद। दिनेश जी, जय श्री राम। संजय खंडारे, खंडरे, आप नाम के प्रोनंसिएशन में गड़बड़ी हो तो माफ कीजिएगा, अभी बोल दे रहा हूँ। इन्होंने लिखा, अरविंद को मीडिया ने सर पर बिठाया है, प्लीज सर टीआरपी घोटाले का क्या हुआ? देखिए ये आप सही कह रहे हैं, इस पर भी किसी दिन विशेष रिसर्च के साथ आपके साथ चीज़ें रखूंगा दोस्तों। और आइए, कल्याण जी हैं, खजेली बार की राजशमूरी शुमारी के जवाब में आपने बढ़िया है, अच्छा लिखा आपने। जगदीश, जय श्री राम। जगदीश जी आपको भी। सरासन हरीश जी, व्हाट शुड आई से टुवर्ड्स केजरीवाल स्पीच? सर इंजॉय कीजिए, उसके तो झूठ आपको दिखा चुका हूँ। कॉल विवाह, यू आर अमेजिंग इन एनालिसिस, थैंक यू। आई एम इंडियन सर जी, जे चोर जेल कब जाएगा? अब तो देखिए मोदी सरकार में तो कानूनी प्रक्रिया से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो उम्मीद कीजिए आप सब ठीक होगा। उपेंद्र प्रजापति, व्हेन ईडी इज इश्यूइंग समन्स टू कट्टर चोर बवना खुजलीवा, व्हाट इज ईडी इज वेटिंग फॉर? देखिए ये उपेंद्र जी, दरअसल क्या है ना, हमें लगता है कि बस एकदम सारी चीज़ें तुरंत हो जाए, ऐसा होता नहीं है, मुझे लगता है इंतज़ार करना चाहिए। और ये जो इन्होंने समय मांगा है ना, तो
अब देखिए, अब तो संसद सत्र भी इन्होंने दो बहाने बनाए कि भैया मैं स्टार कैंपेनर हूं, मुझे प्रचार करना है। कर लो भैया, ईडी ने यह भी दिखा दिया कि हम गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। अब देखिए, फंसेंगे तो लंबा फंसेंगे। फिर आगे आइए, कमाल बशील जी, कॉल टू विभा ने कई सारे कमेंट्स किए, एक जवाब दे दिया। कमाल, आई एम कमाल बशील फ्रॉम नेपाल, धन्यवाद जी आपको नेपाल से भी। विश्वजीत मैती, जब सा कजरी दादा दिल्ली में आया, राशन बंद कर दिया, भेजिए। आराध्य सिंह जी, सर जी राजस्थान का सीएम कौन प्लीज़ बताएं। अब देखिए, ये तो सरकार हित मोदी जी ही तय करेंगे, ये तो पूरा चुनाव पीएम के नाम पर था, कमल के नाम पर था। तो मेरे को लगता है, मुझे लगता है दोस्तों कि विश्वास करना चाहिए भाई, जिनकी जीत है उन्हीं को तय करना है, बाकी बालकनाथ पे तो मुझे भी लगता है उनको बनना चाहिए। आगे जाइए, जनता जानती है चोर कौन है, गोधन सिंह। फिर आगे आइए, निमेश जी, डिपॉजिट फुल फर्जीवाल पार्टी है, निश्चित रूप से इसीलिए दिखाया। आरएन गिरगिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से रंग बदल लेगा। आप सही कह रहे हैं एनएन जी। जवाहर जी, बहुत अच्छी तरह आप समझाते हो, आपको नमस्ते करता हूँ। प्रदीप जी, एकदम सही, धन्यवाद। निर्मल सिंह भाई, आई एम फ्रॉम यूके बट सपोर्ट बीजेपी एंड मोदी जी, या खुजलीवाल है सर, दिल्ली पंजाब पीपल डन बिग मिस्टेक। सही कह रहे हैं निर्मल जी, आप यूके से इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, आप इसी तरीके से नज़र बनाए रखिए, आपका भी इसमें योगदान है मैं मानता हूँ। कमल जी, बागेश्वर वाले बाबा का भी एक वीडियो बना दो। क्यों भैया, क्या बनाऊंगा उनका, बागेश्वर वाले बाबा जी का? देखिए, ये तो कांग्रेस एक्सपोज हो गई ना, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, करने दीजिए, वो तो नेक काम वैसे भी कर रहे हैं। वायरस, नमस्कार सर। प्रमोद जी, रंगा सियार देश के लिए खतरनाक है, मौका परस्त। डिजिटल सेवा, केजरुद्दीन। उमेद सिंह, दिस मैन हैव नो कैरेक्टर। राधेश्याम जी, झंडू हो गया, पता नहीं क्या लिखा है। राजेंद्र जी, भारत माता की जय आपको भी। जवाहर जी, ओनली मोदी। एक के धनपाल जी, कमल बशेल क्या बाबा बागेश्वर ने चुनाव लड़ा था? फिर धनपाल जी, थैंक यू, वेरी गुड लिख रहे हैं आप। मोहन जी, धनपाल जी, महावीर प्रसाद जांगड़ा जी, राम राम आपको भी। पुष्कर दर्जी, जय श्री राम आपको भी। लवली क्वाइट, ये पत्रकार को आज जाके देख रही हूँ, धन्यवाद आपको, देखिए पूरा। नंदा, बहुत अच्छा हुआ, जय सिया राम आपको भी। अनिल जी, दे प्रोमिस टू गिव 1000। अनिल जी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, जो आप बता रहे हैं ना कि 1000 रुपये का, वो 1000 रुपये दिए नहीं है अब तक। आज भी पंजाब में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, महिलाएँ आज भी इंतज़ार कर रही हैं। इसके बाद राजपाल जी, गोपा जी, राम राम जी, राजपूत जी ने जय श्री राम लिखा है, जवाहर जी। फिर कनाडे, जय श्री राम। राजेश, आरडीएम, कृष्ण श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। भगवान राम, जय श्री राम आपको। नरेंद्र जी, बहुत सारे हैं दोस्तों। सुधींद्र जी, मोहन जी, आप केजरी का पर्दाफाश हो गया है, बिल्कुल। एसके दास जी, आप सही कह रहे हैं। अमृत, सब राजस्थानी दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक ट्रीटमेंट के इलाज में आ जाओ। अमृत दास जी, आप सही कह रहे हैं। एक भी इनके मंत्रियों ने, एक भी इनके विधायकों ने, सांसदों ने कभी मोहल्ला क्लिनिक में शौक से भी गया हो इलाज कराने, कोई तस्वीर नहीं आई। हामिया जी, चंद्रकांत, भारत माता की जय। संजय सोलंकी, जय श्री राम। देवेश चांद, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। हरीश चंदर, अरे वाह, मेरे नाम से केजू का तिहाड़ में आराम करने का टाइम आ गया है, बिल्कुल, ये चल भी रहा है जमानत को लेकर के, या तो इनकी जमानत जब्त होती है या खारिज होती है। विजय कुमार श्रीवास्तव, आप ये आपका किस लिए, क्या लिखा है पता नहीं। अविनाश जी, 46% वोट के साथ 54 सीट, एंड कांग्रेस 43% वोट के साथ 35 सीट, देश पूछ रहा है, एनालिसिस करो जरा। अरे भैया अविनाश जी, आपको पिछली बार का शायद नहीं पता है कि भाजपा को मध्य प्रदेश में ज्यादा परसेंट वोट मिले थे, आधा या 1% ज्यादा मिले थे, सीट कम हो गई थी, यही लोकतंत्र है, जो जीतता है उसी की तो बात करेंगे ना, बाकी एनालिसिस तो करेंगे। राखी जी, थैंक यू आपको भी। इंद्रजीत जी, थैंक यू। प्रिय हरीश जी, प्यार भरा प्यार, थैंक यू। अरविंद जी,
बहुत सारे कमेंट हैं दोस्तों, तो कुल मिलाकर के लास्ट में तीन चार और मैं पढ़ता हूँ। सदानंद जी, जय श्री राम, शिवाजी मोदी सरकार की गारंटी चल रही है। विनोद जी, हरीश जी, मोदी जी को आप और मनीष जी जैसे लोगों का सपोर्ट चाहिए। कर ही रहे हैं सर, नैरेटिव बेस्ड चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधाकर, केजरीवाल जी को खुद होकर ईडी के पास जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने काम किया। श्याम लता सर, हरीश जी आपको भगवान शिव शंकर हमेशा निरोग ऐश्वर्यवान रखें, आप बहुत ही थैंक यू, थैंक यू। बलिगा जी, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम और भुवनेंदु जानी जय महाकाल। तो कोशिश किया दोस्तों कि आप सभी का नाम ले सकूं, कुछ छूट गए होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आखिर में देखूंगा और जो भी अच्छे कमेंट्स होंगे अगर लगेगा कि उस पर आपसे संवाद करना है तो आपसे करूँगा। आप अपना सहयोग बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि एक एक वीडियो, एक एक रिसर्च में बड़ा मेहनत लगता है, तो आपका सहयोग मुझे और प्रोत्साहित करता है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो बेल आइकन है वो भी दबाइए। साथ ही हमारा एक शॉर्ट चैनल भी है, आप लोगों ने देखा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट्स बनाने की और कुछ सहयोगियों को भी जोड़ा है, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही एक पब्लिक ओपिनियन का एक आज मैंने दिखाया था, वो कैसा लगा वो भी बताइएगा। कोशिश करूंगा आने वाले समय में भी कुछ और दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना प्रेम यूं ही बना